ये पहली बार नहीं है जब कूपर हॉस्पिटल पर किसी ने उंगली उठाई हो। इससे पहले परवीन बॉबी, जिया खान, दिव्या भारती समेत सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कूपर हॉस्पिटल पर सवाल उठाए गए थे, और अब सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर भी कूपर हॉस्पिटल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि सूरज डूबने के बाद कभी भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। और आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल का ये नियम है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी जाता है इसके अंदर पोस्टमार्टम के लिए, तो उसका जो पोस्टमार्टम है वो रात के वक्त ही किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है ये तो हॉस्पिटल वाले ही जाने। शायद ऐसा लगता है कि संविधान के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इस हॉस्पिटल के लिए मान्य नहीं है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर के 12 बजे से, जी हाँ दोस्तों, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पोस्टमार्टम चला था। दोस्तों आपको जानकर ये बेहद ज़्यादा हैरानी होगी कि 10:30 बजे करीब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे, इसकी अपडेट आई थी। और वहीं 2 बार चेक करने के बाद 12 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को पोस्टमार्टम कमरे में लेकर जाया गया था। और वहीं रात के 9 बजे 5 डॉक्टरों समेत एक वीडियोग्राफर जो था वो और 2 पुलिस वाले बाहर आए थे। आखिर इतने घंटे में क्या कुछ पोस्टमार्टम हुआ था? और रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन की विवरण दी गई है कि शरीर पर किसी भी तरीके का चोट का निशान नहीं था। उन शरीर के अंदर क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ खाया था सिद्धार्थ शुक्ला ने, कौन सी दवाई खाई थी, इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों क्या आपके हिसाब से भी कूपर हॉस्पिटल लगातार किसी से पैसे लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ धोखा करता है, उनके फैंस के साथ धोखा करता है? आपको जो कुछ भी लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।